इसराइल और हमास की जंग के बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मंगलवार को इसराइल का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस युद्ध का पहला मकसद सभी बंधकों को छुड़ाना होना चाहिए। मैक्रों ने यह भी कहा कि इसराइली राष्ट्रपति आइजक हर्जाग की मौजूदगी में बड़े काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल का कर्तव्य इस संघर्ष को विस्तार दिए बगैर हमास से लड़ना होना चाहिए। मैक्रों ने मंगलवार को तेल अबीब पहुंचकर उन इसराइली फ्रेंच नागरिकों से मुलाकात की जिन्होंने इस संघर्ष में अपनों को खोया है। मैक्रों ने यह भी बताया कि अभी भी 9 फ्रेंच के नागरिक लापता हैं या फिर बंधक बनाए गए हैं। बीते 7 अक्टूबर को शुरू हुए संघर्ष में अभी तक दोनों पक्षों के सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका से लेकर ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों के नेता इसराइल पहुंच चुके हैं।